अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा इंग्लिश वोकेबलरी का व्लॉग है उसका डे थ्री है। हमारा जो आज का फर्स्ट सेंटेंस है वो है मैं ख़त लिख रही हूँ, और अगर कोई बॉय लिख रहा होगा तो बोलेगा मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरह वो कोई मज़मून लिख रही होगी या लिख रहा होगा वो बोलेगा आई एम राइटिंग एन एसे। इसी तरह कोई क्वेश्चन हो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन। इसी तरह कोई पैराग्राफ हो आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ। हमारा सेकेंड सेंटेंस है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हम हॉकी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर प्लेइंग हॉकी। उसी तरह फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। स्नोकर, यू आर प्लेइंग स्नोकर। मतलब डिफरेंट गेम्स के लिए आप सिमिलर सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग फिल्म। फिल्म की जगह मूवी भी बोल सकते हैं। उसी तरह वी आर, अगर हम मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग गेम्स। अगर हम फेसबुक आईडी देख रहे हैं तो वी आर वॉचिंग फेसबुक, वी आर वॉचिंग यूट्यूब। मतलब जो भी डिफरेंट हम चीज़ों के लिए ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो आज का लास्ट सेंटेंस है वो है मैं एक अच्छा तालिबे इल्म हूँ, आई एम अ गुड स्टूडेंट। इस तरह अगर कोई बुरा स्टूडेंट होगा तो वो बोलेगा आई एम अ बैड स्टूडेंट। अगर कोई नॉर्मल दरमियानी स्टूडेंट होगा तो वो बोलेगा आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। अगर कोई बहुत तेज़ होगा वो बोलेगा आई एम अ शार्प स्टूडेंट। अगर बहुत ज़हीन होगा बोलेगा आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब डिफरेंट सेंटेंसेस डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकते हैं, वर्डिंग काफ़ी हद तक सेम होती है, बस हमें अपने माइंड को यूज़ करते हुए उन सेंटेंस को यूज़ करना होता है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।